आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिकी सबमरीन और रशियन सबमरीन के बारे में। वैसे तो रशिया की सबमरीन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन मैं आज अमेरिका की ओही क्लास सबमरीन और रशिया की बोरी क्लास सबमरीन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। यह दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसमें कि अमेरिकन सबमरीन को जनरल डायनेमिक्स इलेक्ट्रिक बोट के द्वारा बनाया गया है, जिसे 1981 में अमेरिकन सेना में लाया गया था। वहीं रशिया की बोरी क्लास सबमरीन को रॉबिन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया और शेबमेस कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस सबमरीन को 2013 में सेवा में लाया गया था। अमेरिकन ओही क्लास सबमरीन के वजन की बात करें तो 18,750 टन है। इसकी लंबाई 170 मीटर, बीम 13 मीटर, ड्राफ्ट 10.8 मीटर है। वहीं इसकी रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा पानी के अंदर है, और यह न्यूक्लियर पावर्ड होने के कारण पानी में बहुत दिनों तक चल सकता है, लेकिन जब तक इसमें फूड सप्लाई होती है तब तक यह सेवा देते रहता है, उसके बाद यह फूड लेने के लिए वापस आता है। वहीं रशिया की बोरी क्लास सबमरीन का वजन 24,000 टन का है। इसकी लंबाई 170 मीटर, बीम 13.5 मीटर, ड्राफ्ट 10 मीटर है। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर चल सकता है, जो कि अमेरिकन सबमरीन से ज्यादा है। यह सबमरीन भी अत्यंत दूरी तक जा सकता है, क्योंकि यह न्यूक्लियर पावर्ड है। अमेरिका की ओही क्लास सबमरीन के अगर क्रू की बात करें तो इसमें 140 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 15 ऑफिसर्स होते हैं। यह सबमरीन 240 मीटर समुद्र के गहराई तक जा सकती है। वहीं रशिया की बोही क्लास सबमरीन में 107 क्रू मेंबर्स होते हैं, और यह सबमरीन 400 मीटर समुद्र की गहराई तक जा सकती है, जो कि ओही क्लास सबमरीन से बहुत ही ज्यादा है। अमेरिका की ओही क्लास सबमरीन को चलने के लिए और शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें दो गियर्ड टर्बाइंस, जो कि 26 मेगावाट्स की है, वो भी लगाया गया है। अगर ये दोनों ही फेल हो जाए तो इसमें एक ऑक्सिलरी डीजल इंजन और एक ऑक्सिलरी मोटर का भी इस्तेमाल किया गया है। वहीं रशिया की बोरी क्लास सबमरीन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर, एक स्टीम टर्बाइन और एक पंप जेट का इस्तेमाल ही किया गया है। ओही क्लास सबमरीन में कुछ सेंसर और रेडार्स लगे हुए हैं, जिसमें कि फायर कंट्रोल एरे, नेविगेशन रेडार, टॉवर्ड एरे, कॉन्फॉर्मल एरे, पैसिव बो माउंटेड एरे का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगे हुए कुछ हथियारों की बात करें तो इसमें 4 21 इंच वाली मार्क 48 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी हुई है। वहीं रशिया की बोरी क्लास सबमरीन में सेंसर और रेडार्स की जानकारी सरकार के द्वारा साझा नहीं की गई है, लेकिन अगर इसमें लगे हुए कुछ अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इसमें 16 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, 8 553 मिलीमीटर वाली टॉर्पीडो ट्यूब्स, 6 एक्सटर्नल स्पेशल पर्पस एक्सटर्नल ट्यूब्स और 6 एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसमें व्यूगा एंटी सबमरीन शिप मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल अमेरिका की ओही क्लास सबमरीन की संख्या 18 है, और रशिया की ओही क्लास सबमरीन की संख्या 5 है, जो कि अपनी सेवा दे रही है। अमेरिका की ओही क्लास सबमरीन की लागत लगभग $3 बिलियन है, वहीं बोरी क्लास सबमरीन की लागत $713 मिलियन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट करना ना भूलें कि आपको इस दोनों सबमरीन में क्या लगा है खास। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।